मैं हूं इम्तियाज अहमद, स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल ITZ इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं प्रयास करूंगा कि आपको डिफाइन करके समझाऊं कि वॉइस कहते किसे हैं, फिर इसके बाद इसके टाइप्स को बताऊंगा, और टाइप्स बताने के बाद हम देखेंगे कि किसी भी एक्टिव क्रिया को कैसे पैसिव में बदला जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अपनी बातें कि अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, और वीडियो अगर पसंद आए, आपके लिए यूजफुल हो, तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका फायदा वो भी उठा सकें। आइए डिफाइन करते हैं वॉइस को। ठीक है, वॉइस का मतलब होता है, मैंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शोज आइदर द सब्जेक्ट इज इन एक्शन और द ऑब्जेक्ट इज इन एक्शन। वॉइस क्रिया का वह रूप है जो बताता है कि या तो सब्जेक्ट एक्शन में है या फिर ऑब्जेक्ट एक्शन में है। ध्यान से, वॉइस क्रिया का रूप है जो ये बताता है कि या तो सब्जेक्ट एक्शन में है या फिर ऑब्जेक्ट एक्शन में है। तो अब हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से बचना होगा, तो आओ एग्जाम्पल रख करके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, रामू एट्स एन एप्पल। अब यहां इट्स जो है वर्ब है, ठीक है, और खाना क्रिया का प्रभाव एप्पल रिसीव कर रहा है, मतलब एप्पल जो है ये रिसीवर ऑफ एक्शन है, रिसीवर ऑफ एक्शन, और रिसीवर ऑफ एक्शन जो होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, रामू जो है एक्शन में है, क्रिया को करता है, तो रामू क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचान करते हैं कि वर्ब के बाद आने वाला शब्द जो है ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो इसमें करना क्या है कि देखना होगा कि यहां जो शब्द आया है वर्ब के बाद एक्शन को रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब एक्शन का प्रभाव अपने पर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है तो ऑब्जेक्ट है, नहीं ले रहा है तो कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब के पहले जो नाउन प्रोनाउन आया है ये आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब जिसकी बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है। ये जो सेंटेंस बना है एक्टिव फॉर्म में है, यहां रामू सब्जेक्ट जो है एक्शन में है, मतलब रामू की वजह से खाना की क्रिया हो रही है। अब अगर मुझे बतलाना हो कि एप्पल की वजह से खाने की क्रिया हो रही है, तो हम बनाएंगे इसको एन एप्पल इज ईटन बाय रामू। अभी भी खाने का काम रामू कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक्शन में कौन है, एप्पल, और एप्पल है क्या, ऑब्जेक्ट है, लेकिन बना क्या है, सब्जेक्ट। अब इनको रख करके आप एक बार फिर से डेफिनेशन को समझो कि जब सब्जेक्ट एक्शन में हो तो एक्टिव, मतलब इट्स जो है ये एक्टिव वॉइस में है, और जब ऑब्जेक्ट एक्शन में हो तो क्रिया आपकी पैसिव होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि वॉइस क्रिया का वह रूप है जो बताता है कि या तो सब्जेक्ट एक्शन में है या फिर ऑब्जेक्ट एक्शन में है। ठीक है, ये रहा वॉइस का डेफिनेशन।
अब चलते हैं इसके टाइप्स को समझ। डेफिनेशन के बाद आइए देखते हैं कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के, एक होता है एक्टिव, एक्टिव एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस समझते हैं, जब सब्जेक्ट एक्शन में होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज इन एक्शन, जब सब्जेक्ट एक्शन में होता है तो क्रिया जो होती है वो एक्टिव वॉइस की होती है, और इस क्रम में क्रिया का जो फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, या फिर इन्फिनिटिव यानी के 2+V1। इतनी ही सारी क्रियाएं हमारी एक्टिव फॉर्म में बना करती हैं, है ना। जब सब्जेक्ट एक्शन में हो तो एक्टिव बनता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट एक्शन में हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन एक्शन, तो जब ऑब्जेक्ट एक्शन में हो तो आपकी क्रिया जो बनती है वो पैसिव वॉइस में बना करती है, और पैसिव क्रिया हमेशा हमेशा टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक्टिव क्रिया का फॉर्म अगर 1, 2, 3, 4, 5 या इन्फिनिटिव है तो ये क्रियाएं वर्ब के तीसरे फॉर्म में चली जाएंगी और बाहर से एक क्रिया ली जाएगी टू बी, और इस तरह से हमारी पैसिव क्रिया बना करती है। ठीक है, आप फिर से याद करते चलें कि जब सब्जेक्ट एक्शन में हो तो एक्टिव, ऑब्जेक्ट एक्शन में हो तो पैसिव। यहाँ ये बात मैं रिमाइंड करूं कि एक्टिव क्रिया का जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है जो एक्शन में है ये क्या है, तो डूअर ऑफ एक्शन है, और जब ऑब्जेक्ट एक्शन में होता है तो ये जो सब्जेक्ट बनता है ये नॉन डूअर होता है, मतलब क्रिया को नहीं करता है। डूअर जो होता है वो क्रिया को करता है, नॉन डूअर जो होता है वो क्रिया को नहीं करता है। ये रहे आपके वॉइस के टाइप्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब चलते हैं रूल्स को समझने हैं कि किस तरह से किसी क्रिया को हम एक्टिव से पैसिव में ले जाएंगे। आइए एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाने के जो नियम होते हैं हम उन नियमों को देखें। सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर ले लो एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से सीखो। स्ट्रक्चर मैं रख लेता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब और तब जाके ऑब्जेक्ट। अब पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है समझिएगा, पैसिव वॉइस। इसमें करना क्या है कि आप यहां कैची चला लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा इधर आकर के सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट जो है इधर आकर के बाई प्लस एजेंट हो जाता है, दो का तो हल हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाई एजेंट। यहां जो वर्ब होगी इसको हम टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, आपने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनता है, बाई एजेंट, और वर्ब जो होती है वो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में चली जाती है कि नहीं, इतना ही रूल होता है। और ये बात याद रखोगे कि जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट हो वह क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होती है, मतलब ये क्रिया जो है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब को ही पैसिव फॉर्म में बदला जा सकता है। ऐसा इसलिए कि पैसिव क्रिया का सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है या फिर नॉन डूअर होता है। ठीक है, तो केवल ट्रांजिटिव वर्ब को ही पैसिव में बदला जा सकता है।
अब देख लेते हैं हमारे लिए रूल्स कितने हुए। मैं लिखता जाता हूं, आप चलो देखो इसको। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। दूसरा रूल के सब्जेक्ट बाई प्लस एजेंट हो जाता है, क्रिया को टू बी प्लस भी थ्री में बदल देते हैं, ठीक है। क्रिया को टू बी प्लस भी थ्री में बदल देते हैं। चौथा रूल केवल ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को ही पैसिव में, सॉरी बदला जा सकता है। केवल ट्रांजिटिव वर्ब को ही पैसिव में बदला जा सकता है। फिर आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार केस बदल जाते हैं, केस बदल जाते हैं। बस इतने ही सारे रूल्स हैं। क्या करना है फिर से देखो। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट बाई प्लस एजेंट हो जाता है, क्रिया को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, केवल ट्रांजिटिव वर्ब को ही पैसिव में बदला जा सकता है ना, और आवश्यकता अनुसार केस बदल जाते हैं। अब मैं एग्जाम्पल रख करके इन सारे रूल्स को अप्लाई करना बताऊंगा। एग्जाम्पल देखो, रामू एट्स एन एप्पल, ठीक है। अब आपने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनता है, एन एप्पल। अब यहां इट्स जो है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म से, वर्ब के पांचवी फॉर्म से प्रेजेंट इंडेफिनिट बना करता है, और यहां क्रिया का फॉर्म वन भी हो सकता है, भी वन और भी फाइव, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो अब यहां टू बी से हमें क्या लेना होगा, तो एन इज आर लेना होगा, एन एप्पल इज ईटन बाय रामू, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल रखता हूं, दे एट मैंगोज, ठीक है। अब एट जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और बी क्रिया का सेकेंड फॉर्म वाज वर्ब होता है। याद रहे टू बी का जो सिलेक्शन करना है कि हम टू बी से क्या लें, ये बात एक्टिव क्रिया बताती है। एक्टिव क्रिया का जो फॉर्म है वही फॉर्म आपको टू बी से लेना है। मतलब एक्टिव क्रिया अगर वन है फाइव है तो टू बी से आप वन या फाइव, मतलब एम इज आर ले सकते हो। अगर एक्टिव क्रिया का फॉर्म सेकेंड फॉर्म है ना, सेकेंड फॉर्म, तो टू बी का वाज वर्ब लेना पड़ेगा। अगर एक्टिव क्रिया वर्ब के थर्ड फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, तो आपको बीन लेना पड़ेगा। अगर फोर्थ फॉर्म में है आई एन जी वाली फॉर्म, तो आपको बीन लेना पड़ेगा। अगर इन्फिनिटिव है तो टू बी लेना पड़ेगा, अगर बेयर इन्फिनिटिव है तो बी लेना पड़ेगा। मुझे समझाना है कि एक्टिव क्रिया का जो फॉर्म है वही फॉर्म आपको टू बी से लेना होगा, तो इसके लिए आपको टू बी का रूप याद रखना होगा। मैं यहां उसको रख ही देता हूं, टू बी, ये फुल इन्फिनिटिव, एक इधर इसका हो जाता है बेयर इन्फिनिटिव। अब रूप चला लीजिए, बी वाज बीन बीइंग, और पांचवी क्रिया
नहीं बना करती बल्कि यहां से बन के जाती है, आई एम आर इज, और इज जो है ये सिंगुलर होती है और हर क्रिया जो सिंगुलर होती है वो भी फाइव होती है, ठीक है। आर जो है ये प्लूरल है, एम है प्लूरल है, वाज सिंगुलर और इसका प्लूरल फॉर्म वर्ब होता है। तो कितनी क्रियाएं टू बी से बनती हैं, ये फुल इंफिनिटिव बेयर इंफिनिटिव दो हो गई, एम इज आर पांच, वाज वर्ब सात, बीइंग बीइंग। मैंने बताया कि एक्टिव क्रिया जिस फॉर्म की है वही फॉर्म हमें टू बी से लेना होगा, ठीक है। तो यहां क्या रखा है, सेकेंड फॉर्म है, मतलब हम क्या ले सकते हैं, वाज वर। अब पलटिए, मैंगोज वर ईटन बाय देम। आगे चलोगे तो दे जो है बाय एजेंट से हटता है, लेकिन अभी मैं फिलहाल रख रहा हूं, ठीक है। अगला एग्जांपल है, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। अब यू इधर आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा, आई के लिए एम होता है लेकिन यू के लिए आर होगा, ठीक है, यू आर। अब यहां एक्टिव क्रिया का फॉर्म चौथा फॉर्म है, आई एन जी फॉर्म, टीचिंग जो है ये तो थर्ड फॉर्म में जाएगी। अब हमें टू बी से क्या लेना होगा, तो बीइंग लेना होगा, सेम वर्ब लेना है, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, ठीक है। अब मैं एक और वर्ब रखता हूं, ही हैज सीन द जू, उसने चिड़ियाघर देखा है। अब यहां सीन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म होने का मतलब कि अब हमें टू बी से बीन लेना होगा, कैसे, द जू हैज बीन सीन बाय हिम। अब एक और क्रिया रखो, आई एम टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, यू इधर आएगा सब्जेक्ट बनेगा, आई एम लेता है लेकिन यू आर लेगा, ठीक है, यू आर। टू टीच तो जाकर के यहां टॉट बन जाएगी, अब यहां हमें टू बी लेना है, क्या लेना पड़ेगा, ये इन्फिनिटिव है टू प्लस बी वन, तो हमें टू बी से टू बी लेना होगा जो कि एक इन्फिनिटिव है, तब जाकर के एक्टिव और पैसिव क्रियाओं का टेंस जो है सेम बनेगा, यू आर टू बी टॉट बाई मी। मुझे अब लग रहा है कि मैंने आपको ये बात समझा लिया कि हमें टू बी से क्या लेना है। फिर से एक बार बताऊं कि एक्टिव क्रिया जिस फॉर्म की है वही फॉर्म हमें टू बी से लेना है, और एक्टिव क्रिया बता रही है कि हमें क्या लेना है, जैसे कि ये फोर्थ फॉर्म है, बता रहा है कि आपको बीइंग लेना होगा, ये थर्ड फॉर्म है, बता रहा है कि बीइंग लेना होगा, ये इन्फिनिटिव है, बता रही है कि आपको टू बी से टू बी जो कि इन्फिनिटिव है टू बी लेना होगा। तो मामला तो सब खुला हुआ है, तीन ही काम करने हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाय एजेंट, क्रिया को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में, और एक्टिव क्रिया आपको बता ही रही है कि टू बी से आप ये लीजिए। अब क्या कर रहा है, इसको थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, बाय एजेंट होगा, टू बी प्लस बी थ्री में रख देंगे, क्रिया बन गई पैसिव, ठीक है। अंतिम रूल आपने पढ़ा था कि आवश्यकता अनुसार केस बदल जाते हैं, कैसे बदलते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो बाई एजेंट बनेगा तो मी होगा, अगर वी है तो अस होगा, ही है तो हीम होगा, सी है तो हर होगा, दे है तो देम होगा, ठीक है, इट है तो इट होगा, अगर राम है तो राम होगा। बस ऐसे समझो ना कि ये जो सब्जेक्ट बना है इसका केस नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक, तो जब ये बाय एजेंट बनेगा है ना, तो इसका केस हमें ऑब्जेक्टिव केस करना होगा, ठीक है, या फिर
अगर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसका केस हमें नॉमिनेटिव करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके केस बदल जाते हैं। एक एग्जांपल रख करके समझ लो, ही लव्स मी, ठीक है। अब मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है। अब जब हम इसको पैसिव में ले जाएंगे तो मी जो है सब्जेक्ट बनेगा, तो केस बदल करके आई होगा। लव्स फाइव है तो मतलब हुआ कि हमें टू बी से एम इज आर लेना होगा, तो आई के लिए क्या होता है, एम होता है। लव्स को हम थर्ड फॉर्म में रखेंगे, लव्ड, आई एम लव्ड। अब बाई बाई ही, जब बाई एजेंट बनेगा तो इसका केस ऑब्जेक्टिव होगा, बाई ही। बस यही तो करना है वॉइस में, इसके सिवा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाई एजेंट, क्रिया को टू बी प्लस भी थ्री। मुझे भरोसा है, यकीन है कि आपने एक्टिव को पैसिव में बदलना अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में वॉइस के बारे में कुछ और बातें करने के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा।